ये काफी ज्यादा यूनिक परिंदा है जिसका नाम है अमेरिकन वुडकॉक, जिसे लोग इसके डांसिंग मूव के लिए भी जानते हैं, यानी कि आप इसे पक्षियों का माइकल जैक्सन भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है ये आपको इस वीडियो को देखकर पता चल गया होगा, लेकिन दरअसल ये डांस करता ही नहीं, जैसा कि अमेजन जंगलों में मौजूद पक्षी मादा को इंप्रेस करने के लिए करते हैं, बल्कि ये इसके नॉर्मल दिन की रूटीन का हिस्सा है, जो कि ये रेगिस्तान में रेत पर अपने पूरी बॉडी का वजन डालकर इस रेत की सतह पर मौजूद कीड़ों को खाने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ये हमें देखने में किसी डांस मूव जैसा लगता है। हम सभी जानते हैं कि आसमान में मौजूद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जब जमीन पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं तो आसमान में बिजली पैदा होती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखने को मिलती है, जैसा कि किसी पेड़ की शाखा ही। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है जब इसके विपरीत यानी कि उल्टा होता है, जब बादलों में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो और जमीन पर नेगेटिव पार्टिकल्स, इस दौरान हमें ये प्रोसेस उल्टा देखने को मिलती है, यानी कि ऐसा लगता है कि जमीन से आसमानी बिजली निकलकर बादलों की तरफ जा रही हो, जो कि देखने में काफी खौफनाक नजारा लगता है। बादल तो हम सभी को पसंद होते हैं, और इनकी खूबसूरती और मौसम के अंदर बदलाव की विशेषताओं की वजह से, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्टों ने 2017 के अंदर बादलों की एक ऐसी यूनिक खूबसूरत और एक टाइम के अंदर कुछ इस तरह से खतरनाक दिखने वाली किस्म को डिस्कवर किया है, जो कि किसी एंड टाइम या फिर हमारी दुनिया के अंत का सिग्नल दिखाती है, लेकिन एक्चुअल के अंदर यह काफी नॉर्मल और रेयर प्रोसेस है जिससे इंसानों को कोई भी खतरा नहीं होता, और इन्हें कहते हैं एस्प्रिटियस क्लाउड, जो कि 2000 मीटर से ऊपर और 6000 मीटर के नीचे की ऊंचाई पर बनते हैं और एक ऐसे नजारे को पैदा करते हैं जैसे आसमान के अंदर समुद्री लहरें पैदा हो रही हो।